नमस्ते। रागी का उपयोग होता है अक्सर नाश्ता बनाने में या लंच बनाने में। रागी के आटे से हम बना सकते हैं रागी बॉल्स, रागी डोसा, रागी अम्बली और भिन्न प्रकार की और भी खूब सारी वैरायटीज। आज के स्पाइस बॉक्स में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे बनाते हैं रागी पुट्टू और रागी केक। एक बार अगर हम रागी आटे को स्टीम कर लें और उसमें ऐड करें गुड़ या शक्कर, घी और कसा हुआ नारियल, इन सबको अच्छे से मिलाकर हम तैयार करते हैं रागी पुट्टू। रागी पुट्टू बनाने की सामग्री है रागी का आटा, गुड़, कसा हुआ नारियल, घी, नमक। एक इडली वेसल में मैंने थोड़ा पानी गर्म किया है। एक कॉटन के कपड़े के टुकड़े के ऊपर मैं रागी के आटे को फैला रही हूँ। इसको मैं इडली स्टैंड पे रखूंगी ऐसे। हम इसे स्टीम करेंगे अच्छे से 10 से 15 मिनट तक। अगर 10 से 15 मिनट के बाद भी आपको श्योर नहीं है कि ये पका है या नहीं, तो फिर आप वेट करिए अच्छी खुशबू आने का, जिसका मतलब है ये पक गया है। अच्छी खुशबू आ रही है, गैस बंद करती हूँ। अब इसे बाहर निकालेंगे। अब इसे कपड़े से निकालकर हम एक प्लेट में रखेंगे और इसमें नमक मिलाएंगे स्वादानुसार। इस पे थोड़ा सा पानी छिड़केंगे और अच्छे से मिलाएंगे ताकि गट्ठे ना पड़ जाएं आटे में। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये पाउडर फॉर्म में ही रहे। रागी आटा इस फॉर्म में होना चाहिए। एक बार फिर से इस आटे को कपड़े में रखेंगे, एक बार और स्टीम करेंगे। एक बार फिर से हम स्टीम होने देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। अगर आपको आटा गूंदने में तकलीफ हो रही है हाथों से, तो 2 मिनट के लिए इसे मिक्सी में पीसिए और रागी पुट्टू आटा तैयार हो जाएगा आपके लिए। पुट्टू मिश्रण अब तैयार है। हम गैस बंद करेंगे। अब इस आटे को मैं एक प्लेट में निकाल लूंगी। इसमें डालूंगी कसा हुआ नारियल, गुड़, घी, मिलाएंगे सबको साथ में अच्छे से। अगर आपको पसंद है तो आप शक्कर भी डालिए या तो गुड़ भी ठीक है, गुड़ शक्कर से बेहतर पर्याय है। अब पुट्टू का आटा तैयार है। अब रागी पुट्टू तैयार है। क्योंकि इसमें आयरन और कैल्शियम है, ये बच्चों के लिए और बड़ों के लिए बहुत ही ज्यादा सेहतमंद है। बनाइए ये व्यंजन हफ्ते में एक बार घर पे और परिवार वालों के साथ मजे कीजिए।